नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं सर वेक्टर एनालिसिस। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो देखें सर, आज जो है वेक्टर एनालिसिस का ये लास्ट अपना सेशन है, तो इसके साथ अपना वेक्टर एनालिसिस जो है वो ख़त्म हो ही जाएगा सौभाग्यवश। अच्छा, इसमें कुछ टॉपिक जो है वो रह गए हैं, लाइक अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक वो सेरेट फेरेट फर्नेट जो फॉर्मूलेज हैं, वो टेंसर एनालिसिस के बेसिकली। तो आप देखें जो आपका वो है ना, क्या चीज़ जो कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली बात है, वो सर जी कवर हो जाएगी आपकी किसके अंदर, अपना करेंगे ना जब सॉलिड ज्योमेट्री, तो उसके अंदर वो सारा कवर हो ही जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। ठीक, और आप देखेंगे जो आपका यूपीएससी का जो है पेपर आता है जिसमें वेक्टर एनालिसिस सब्जेक्ट है, आप सर ये पाएंगे 80% ऑफ द जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 80 क्या 90% बोले सर आप, 90% ऑफ द क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं, जो टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक, तो आज का अपना जो टॉपिक है सर वो क्या है, वो है स्टॉक्स थ्योरम। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम डाइवर्जेंस थ्योरम देखी थी, उसी तरीके से अपने पास मार्केट में एक स्टॉक्स थ्योरम भी है। इससे पहले सर आज का कार्यक्रम स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग टारगेट कर रहे हैं मेनली यूपीएससी 2022। और सर आप ये मान के चलें अगर आप चैनल से जुड़ ही जाते हैं तो सर बहुत फ़ायदा आपका होने ही वाला है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो स्टॉक्स थ्योरम की सर हम बात करें, देखो स्टॉक्स थ्योरम क्या कहता है। अच्छा, आज हम करेंगे क्या, पहले ये समझ लेते हैं थोड़ा सा, स्टॉक्स थ्योरम हम लोग करेंगे ही, वो बात तो ठीक है, साथ में सर इस पर करेंगे हम 11 से 12 न्यूमेरिकल, जिससे हम लोगों को ये क्लियर हो सके कि स्टॉक्स थ्योरम से किस तरीके के न्यूमेरिकल जो है वो यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या जा सकते हैं। भाई दोनों इंपॉर्टेंट है कि नहीं है सर जी, जो पूछेगा या वो तो है इंपॉर्टेंट और जो जा सकते हैं वो भी इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया। तो देखें जी, स्टॉक्स थ्योरम का कहना क्या है समझते हैं। कहती है द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशनल कॉम्पोनेंट ऑफ वैक्टर एफ। तो कोई अपने पास वैक्टर रहा होगा लाइक एफ, कोई वैक्टर फील्ड रही होगी, हम उसका क्या निकाल रहे हैं सर, लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं किसका, टेंजेंशनल कंपोनेंट का। किसका निकाल रहे हैं, टेंजेंशनल कंपोनेंट का लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं। यहाँ तक बात समझ आती है अपने को। टेकन अराउंड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, ध्यान देने वाली बात है सर, यहाँ पे आपका जो कर्व है वो कैसा रहने वाला है, क्लोज रहने वाला है। कैसा रहने वाला है उस्ताद जी, क्लोज रहने वाला है। ये क्लोज कर्व का क्या है सर, ध्यान रखिएगा, अभी आगे चल के हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आएगा इसका क्या मसला है। क्लोज्ड कर्व सी इज इक्वल टू दी सरफेस इंटीग्रल ऑफ दी नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ दी कर्ल एफ। वो कहता है कि ये जो इंटीग्रल है ना आपका, कौन सा लाइन इंटीग्रल, किसका, टेंजेंशनल कॉम्पोनेंट का, किसके अबाउट, एक क्लोज्ड कर्व के अबाउट, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा सरफेस इंटीग्रल किसका, नॉर्मल कंपोनेंट किसका, कर्ल एफ का। समझ रहे हो बात, यानी मैं कर्ल ऑफ एफ का एक नॉर्मल कंपोनेंट निकालूं, उस नॉर्मल कंपोनेंट का हम सरफेस इंटीग्रल लें उसी कर्व पे, तो सर जी वो इक्वल होगा किसके, इंटीग्रल कौन सा लाइन वाला, किसका, टेंजेंशनल कंपोनेंट ऑफ द सेम वेक्टर फील्ड अराउंड द कर्व सी। बात आई समझ, क्या कहना चाह रहा है वो, बाकी तो सर आप इस इक्वेशन से समझ ही जाओगे जो कहना है, बेसिकली मैथमेटिकल जो फॉर्म है स्टॉक्स थ्योरम की। तो कहता है कर्ल एफ टेकन ओवर एनी सरफेस एस हैविंग सी एज इट्स बाउंड्री। तो सरफेस इंटीग्रल जो है वो सरफेस एस पे लेंगे, और सरफेस एस जो है वो किससे बन रहा है अपना, जो क्लोज्ड कर्व है तो उसका जो सरफेस है, जो भी बाउंड्री है उससे जो सरफेस बनेगा उस पर हम लोग इसको इवेल्युएट करेंगे। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है स्टॉक्स थ्योरम का, देख लो। और इसका तो आप जानते होंगे साइन, इसका मतलब क्या रहता है सर, क्लोज्ड, क्या रहता है, क्लोज्ड, यानी ये जो आप बाउंड्री ले रहे हो ये कैसी होनी चाहिए आपकी, क्लोज्ड होनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए। अगर सर ओपन रहेगी तो आप स्टॉक्स थ्योरम वहाँ पे नहीं लगा सकते। ठीक, हम इसको एफ डॉट डी आर को कैसे इवेल्युएट करेंगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ कर्ल ऑफ एफ। बात आई समझ, इसका नेक्स्ट स्क्रीन शॉट ले लो आप लोग, वेरी गुड। तो देखें सर, आज जो है वो
बहुत बढ़िया बढ़िया टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे अपने लाइक सीधे सीधे प्रूफ कर दें, मतलब LHS RHS वाले, और कुछ क्वेश्चन सर ऐसे करेंगे जिनमें कहेगा वेरीफाई करें किसको, स्टॉक्स थ्योरम को। बात समझ आ रही है सर जी? दोनों ही न्यूमेरिकल क्या है, दोनों ही टाइप अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं या पूछे जा ही सकते हैं। सर क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है जी आप प्रूफ करें आर डी आर और ये इंटीग्रल जो है वो ज़ीरो होता है। देखो अब सर वो कह ही रहा है तो प्रूफ तो करना पड़ेगा ही। देखो हम लोग ये जानते हैं कि जो स्टॉक्स थ्योरम है वो क्या कहती है, स्टॉक्स थ्योरम कहती है दैट क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ कर्ल ऑफ एफ, ऐसे ही कहती है ना अपनी स्टॉक्स थ्योरम, देखें ज़रा। तो आप सर ना इसको इससे कंपेयर कराओ ज़रा, LHS उठा लेते हैं हम लोग, तो लिखेंगे टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, LHS को जब उठाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा देखें ज़रा आप, यहाँ से आएगा सर अपना ये, यही आएगा। इसको ना कंपेयर करवाओ ज़रा इससे, तो F कितना आ गया आपका, R आ गया, क्या कहते हो? तो मैं देखो स्टॉक थ्योरम की मदद से R डॉट डी आर को क्या भी लिख सकता हूँ, सरफेस इंटीग्रल, वेरी गुड, कर्ल ऑफ R, भाई बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखेंगे, डॉट एन डी एस। आप देखें सर R क्या रहता है, R ये रहता है अपना मोटे मोटे तौर पर एक्स आई वाई जे जेड के। तो अगर आप इसका कर्ल लेते भी हैं तो सर आंसर क्या होता है, ज़ीरो ही होता है क्या? तो हम लिखेंगे जी, हमें पता है क्योंकि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं ठीक, कि कर्ल ऑफ आर कितना रहता है उस्ताद जी, ज़ीरो। तो जब कर्ल ऑफ आर ज़ीरो ही रहेगा तो ये चीज़ ज़ीरो हो गई, तो यानी क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ आर डॉट डी आर ये भी कितना हो गया सर, हैप्पी बर्थडे, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड, क्या कहते हो सर जी, लिख ही देंगे देखो ज़रा, है ना। अब आ जाओ जी सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड बहुत बढ़िया सवाल है, कहता है जी आप प्रूव करें फाई और जाए, ये क्या है कोई स्केलर ही रहते हैं आमतौर पर, जब तक बोला ना जाए खुद से कि ये वेक्टर है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि फाई और जाए क्या है अपने स्केलर। तो हमें प्रूव करना है ये रामायण जो है वो उस रामायण के इक्वल है। तो देखो मैं आपसे ऐसे पूछूं क्या, मान लेते हैं सर जी लेट, लेट मानने में क्या ही जाता है, एफ इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ फाई जाए, ऐसा लेट कर लेते हैं। देखो इससे क्या होगा, अभी आप थोड़ी देर में समझ ही जाओगे, और हम स्टॉक थ्योरम लगाते हैं, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर कैसे लिखा जाएगा, सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ एफ डॉट एन डी एस। एफ को ये ज़रा यहाँ सब्सिट्यूट करो तो एफ फाई जाए डॉट डी आर इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ एस लिख देते हैं वरना माता रानी पाप लगाएगी, कर्ल ऑफ एफ और एफ कितना है ग्रेडियंट ऑफ फाई जाए डॉट एन डी एस। आप देखें सर किसी ग्रेडियंट का कर्ल कितना होता है, क्या कहते हो सर, ज़ीरो होता है क्या, वेरी गुड। जिनको मालूम है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता ऐसा क्यों है, सर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे ना वेक्टर आइडेंटिटी वाली, तो वहाँ से आपको ये समझ आ ही जाएगा, वहाँ बहुत बारी इसको मैंने प्रूफ भी किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सम, मान लो f क्या रहता है अपना, ज़ीरो रहता है, तो इस वजह से ये RHS क्या हो गया सर, यहाँ पे ज़ीरो ही हो गया, इसको ये मत मानो ना, f ज़्यादातर वेक्टर डिनोट करवाते हैं, लेट से जाए ऐसा मान लो, क्या ही जाता है ना, क्योंकि फाई और जाए यहाँ पे है तो स्केलर ही, स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो स्केलर ही आएगा, क्या कहते हो सर, ये हो गया अपने पास ये डॉट डी आर इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। आप देखें सर ये जो है अपना दैट इज़ ग्रेडियंट ऑफ फाई जाए, इसको हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं,
फाई ग्रेडियंट मतलब जाए ग्रेडियंट ऑफ फाई, फाई ग्रेडियंट ऑफ जाए, अपने पास ये आइडेंटिटी तो है ही, ये भाई अपने मन से थोड़ी लिख रहे हैं हम लोग, वेक्टर में है अपने पास ये ऑप्शन कि हम इस चीज़ को वैसे लिख ही सकते हैं। तो ये जो रामायण है ये सर यहाँ क्या करेंगे, सब्सिट्यूट। आप देखें सर जब सब्सिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल, इसकी जगह ये लिख देंगे तो ये हो जाएगा साई ये फाई फाई ग्रेडियंट ऑफ जाए डॉट डी आर इक्वल्स टू ज़ीरो। इनको क्या सर अलग अलग लिख लें आप, तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल फाई ग्रेडियंट ऑफ जाए डॉट डी आर ठीक, प्लस क्लोज इंटीग्रल फाई जाए डॉट डी आर इक्वल्स टू ज़ीरो। आप सर इस वाले को उधर ले जाओ, क्या दिक्कत है, तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल फाई ग्रेडियंट ऑफ जाए डी आर माइनस ऑफ क्लोज इंटीग्रल फाई डी आर। आप ज़रा सर चेक करो क्या यही प्रूफ करना था क्या हमें, क्या कहते हो उस्ताद जी, तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हैंस प्रूव्ड, देखो लिख ही सकते हैं, क्या कहते हो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, वेरी गुड। देखें सर अगर आपको कोई डाउट रहता है मैथमेटिक्स में, सर डाउट इस चीज़ में जो आपने या तो पहले पढ़ा हुआ हो जिस चीज़ को, या हो सकता है आपने मेरा कोई ऐसे लेक्चर देखा या सेशन देखा और आपको कोई डाउट आया, तो उसके लिए क्या है आप लोगों ने इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है 93-101-72-405 फ़ोटो खींच के ठीक। और अगर किसी को कुछ कंसल्ट करना है तो वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके लिए आप मैसेज ड्रॉप कर देना इस पर, फिर जैसे ही टाइम होगा आपको एक टाइम दे दिया जाएगा और उस टाइम पे आपको कॉल आएगी भी, फिर जो भी आपकी परेशानी है सर वो सुलझा ही दी जाएगी या कोशिश तो करी ही जाएगी, समझ रहे हो सर जी। नोट्स का ऐसा है, नोट्स के लिए जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे, तो उसमें जाओ नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, और डाउट वगैरह अगर आपके रहते हैं तो व्हाट्सएप का एक ग्रुप भी बनाया हुआ है हम लोगों ने स्पेशली फॉर 2022, उसका भी देखो ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप अगर चाहो तो उसको भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आया ही होगा, बाकी तो भैया आप बता ही दोगे मेरे को कमेंट में, अभी आगे चलते हैं। देखो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जी। 3 क्या कहता है कि आप में दम है, सर जी मेरे को तो पता है आप में दम है, क्वेश्चन ये जो है नादान है ये नहीं समझता, कहता है आप में दम है तो प्रूफ करें ये इसके इक्वल रहता है। अब वो चैलेंज कर ही रहा है तो बताओ क्या ही कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड को ही उठाएंगे हम, तो LHS क्या कहता है, दैट क्लोज इंटीग्रल फाइ ग्रेडियंट ऑफ जाए डॉट डी आर, इसको इवेल्युएट करना है। तो स्टॉक थ्योरम हम लोग जानते ही हैं, अभी ताजी ताजी पढ़ी है हम लोगों ने, तो कंपेयर कराएंगे तो ये क्या बन गया अपना F, यानी हम लोग इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं क्या मेरे को बताइएगा, इसको हम इसको ये इसके इक्वल है सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ F। F क्या है भाई साहब, F पूरी ये रामायण है, इसी के इक्वल है ना सर, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं देखो वेक्टर आइडेंटिटी की हेल्प से। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, हम लोग ब्रह्म ज्ञानी हैं, हम सब जानते हैं, हम जानते हैं दैट कर्ल ऑफ फाई ये होगा अपना इक्वल ग्रेडियंट ऑफ फाई क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ जाए प्लस फाई कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ जाए, इसके इक्वल होगा। देखो वेक्टर आइडेंटिटी है भाई, अपने मन से थोड़ी लगा रहे हैं कुछ भी। आप देखें सर ये चीज़ क्या होगी आपकी, ज़ीरो, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज हैप्पी बर्थडे, तो ये तो ज़ीरो हो गया, यानी ये आ गया सर इसके इक्वल। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, दैट सरफेस इंटीग्रल ऐसे लिख ही सकते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ इसकी जगह पे छापेंगे ये, एन डॉट डी एस, देखो प्रूफ हो ही गया।
ये जो है ना डॉट ऐसे भी लिख सकते हो आप सिंपल डीएसबी और डॉट एन डीएसबी लिख सकते हो, ये अंडरस्टूड रहता है पढ़ने वाले को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाइंस प्रूव्ड, हाइंस प्रूव्ड, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 4 पे जरा, ये भी एकदम लगन टॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि आप प्रूफ करें ये 0 के इक्वल है। तो LHS ही ले लेते हैं फोर्थ का भी, तो लिखेंगे टेकिंग LHS कितना इजी, LHS क्लोज इंटीग्रल C फाई ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट dr। सर स्टॉक्स थ्योरम में आप कंपेयर करवाएं तो F कितना आएगा अपना देखें ज़रा, यही आएगा क्या? तो हम लोग जानते हैं दैट कर्ल, और कल क्या कह रहा हूँ मैं भी, क्लोज इंटीग्रल फाई ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ एफ विच इज़ नथिंग बट ये, यही आएगा। देखो अब जो है ना हम लोग इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटीज। तो कर्ल ऑफ फाई ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ फाई क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ फाई प्लस कर्ल प्लस फाई कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। आप देखें सर ये जो है अपना कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई कितना होता है जी, क्या कह रहे हो, 0 होता है क्या? वेरी गुड। और सेम वेक्टर का सेम से क्रॉस करवाते हो सर तब भी क्या ही आता है, 0 आता है। तो यानी इसकी जो पूरी वैल्यू है वो क्या है, हैप्पी बर्थडे, यहाँ हैप्पी बर्थडे रखेंगे, हैंस फाई ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर इक्वल्स टू 0। आप बताओ सर कोई मुश्किल है क्या इसके क्वेश्चन? देखो बस बात है कि थोड़ी सी वेक्टर आइडेंटिटीज़ अपने को याद होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें सबसे पहले तो, बहुत बढ़िया। तो देखें सर आप कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ आया, कितना समझ आया। अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर क्या कहता है। कहता है जी आप प्रूफ करें दैट फाई डी आर इक्वल्स टू डी एस क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं सर, यहाँ पे ना हम लेट करेंगे एफ को, क्यों लेट कर रहे हैं अभी अभी आपको समझ आ ही जाएगा। लेट एफ इक्वल्स टू फाई ए वेयर ए इज एनी कॉन्स्टेंट आर्बिटरी वैक्टर, ऐसा मान लेते हैं एनी कॉन्स्टेंट आर्बिटरी वैक्टर। ठीक, तो आप देखें स्टॉक थ्योरम से हम लोग ये जानते ही हैं, क्या जानते हैं सर, दैट क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ एफ डॉट डी एस। डॉट डी एस लगाओ या डॉट एन फिर डी एस लगाओ, सर ये अंडरस्टूड है, पढ़ने वाला जो है इस चीज़ को समझता है, तो इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। तो यहाँ से देखें सर ये क्या आएगा, एफ को पुट करेंगे, ये आएगा अपना फाई ए डॉट डी आर, ये आएगा अपना सरफेस इंटीग्रल फाई ए क्रॉस F, अच्छा उल्टा 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 उल्टा, कर्ल ऑफ फाई ए डॉट डी एस, यही आएगा। इसको क्या है सर अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दैट कर्ल ऑफ फाई ए, ए इज सम वेक्टर वेयर फाई इज सम कांस्टेंट, that is nothing but del phi cross a phi। आप देखें सर जरा एक बारी हमारी जो वेक्टर आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंग ये यही होता है, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट का कर्ल ये कितना होता है उस्ताद जी, 0। यानी हम क्या कहेंगे that क्लोज्ड इंटीग्रल फाई डॉट ए डी आर इज नथिंग बट सरफेस इंटीग्रल
इस रामायण की जगह ये रखेंगे। आप देखें सर, ये स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट है, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डेल फाई ए डी एस, ऐसे लिख ही सकते हैं। हमें क्या चाहिए, डी एस क्रॉस डेल फाई चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक रोटेशन लगवा देते हैं इसकी, तो डी एस आगे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। देखो अगर आप क्लॉकवाइज रोटेशन करते हो तो हम लोग ये समझते ही हैं कि स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होती। वेरी गुड। तो यानी ये आ गया फाई ए डॉट डी आर इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल, इसको मैं ऐसे लिख ही सकता हूँ सर, कोई दिक्कत थोड़ी है, डी एस क्रॉस डॉट ए। भाई अपना जो ये डॉट और क्रॉस होता है ये तो इंटरचेंजेबल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर ले आओ, फाई ए डॉट डी आर माइनस सरफेस इंटीग्रल डी एस क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए। इतना समझ आता है? आप देखें सर, हम लोग क्या करते हैं, इक्वल्स टू में ज़ीरो। अच्छा मैं इस चीज़ को ऐसे लिख लूँ क्या, ए डॉट फाई डी आर, क्योंकि भाई ये डॉट किसके बीच में हो रहा है, दो वेक्टर्स के बीच में ही तो हो रहा है, स्केलर से तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। इस चीज़ को भी हम कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट, डॉट में आप आगे मतलब ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो, कोई फ़र्क पड़ता है क्या उससे, नहीं पड़ता ना सर। तो ए डॉट ये करो या ये डॉट ए करो, वैल्यू एक ही आनी है। अब देखें दोनों में से, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए डॉट फाई डी आर माइनस सरफेस इंटीग्रल डी एस क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ फाई, ऐसे देखो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं, उसमें क्या ही दिक्कत है। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो वापस से यही आ जाएगा। हम लिखेंगे सिंस ए इज एनी आर्बिटरी कॉन्स्टेंट वेक्टर, कॉन्स्टेंट वेक्टर, हेंस ज़ीरो कौन हुआ होगा उस्ताद जी, क्या कहते हो, ए ज़ीरो हुआ होगा क्या, या ये ब्रैकेट ज़ीरो हुआ होगा, ब्रैकेट ज़ीरो हुआ होगा, देखो वेरी गुड। तो ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल फाई डी आर माइनस सरफेस इंटीग्रल डी एस क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ फाई इज़ ज़ीरो, इट मीन्स क्लोज इंटरवल फाई डी आर इज़ नथिंग बट सरफेस इंटीग्रल डी एस क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ फाई। वेरी गुड। आप देखें सर, क्या यही था हमारा अल्टीमेट मकसद प्रूफ करने का? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, हेंस प्रूव्ड। वेरी गुड सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ ये वेक्टर आइडेंटिटी और किस तरीके से हम चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे बड़े इजीली। देखो सर, नहीं समझ आता है घबराने की नहीं है, क्योंकि नई चीज़ है, पहले पढ़ चुके हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हो और समझ नहीं आता है तो घबराइए मत, क्योंकि नई चीज़ जो है ब्रेन को टाइम लगता है सर प्रोसेस करने में ना, न्यूरल पैटर्न्स बनने में ब्रेन को टाइम लगता है। तो कोई डाउट हो तो नंबर है ही आपके पास, अभी आगे चलते हैं। सर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, वेरीफाई स्टॉक्स थ्योरम फॉर एफ गिवन है, वेयर एस इज द अपर हाफ सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड सी इज इट्स बाउंड्री। तो हमें इसके लिए बेसिकली स्टॉक्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो देखें सर, सर आज के जैसे है ना सेशन में क्या है, इस स्फीयर से रिलेटेड तीन क्वेश्चंस हैं, तो एक तो मैं आपको करा रहा हूँ और सेम वैसे ही सर दो करने हैं, वो नोट्स में लिखे हुए हैं, तो आप जब नोट्स देखोगे तो आप समझ ही जाओगे, है ना, तरीका सेम ही उनको सॉल्व करने का। हम क्या यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, वो डिस्कस करना ज़रूरी है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी बाउंड्री की, तो हम देखें जो स्फेयर है तो हम लिखेंगे कि बाउंड्री ऑफ सरफेस, बाउंड्री सी ऑफ सरफेस एस, यानी कि जो स्फेयर है वो सरफेस एस इज़ द सर्कल, इज़ द सर्कल
इन एक्स वाई प्लेन एक्स वाई प्लेन और रेडियस कितना होगा सर, आप देखें स्फेयर की इक्वेशन को, वन है क्या, विद रेडियस इज इक्वल्स टू वन एंड हैविंग सेंटर एट जीरो जीरो, ऐसा ही तो है, आप चेक कर लें जरा एक बार इक्वेशन को जो स्फेयर की इक्वेशन गिवन है, एंड हैविंग सेंटर एट जीरो जीरो। तो देखो जब एक्स वाई प्लेन में उसकी बाउंड्री है तो एक्स वाई प्लेन में सर जेड कितना होता है, जीरो, और जब जेड जीरो है तो डी जेड ऑब्वियस सी बात है सर क्या होगा, जीरो ही होगा। सबसे पहले हम लोग इवेल्युएट करेंगे, देखो ये चीज एफ डॉट डी आर, ठीक, तो आ जाओ भैया मेरी हेल्प करना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये किसके इक्वल है, देखो ये इक्वल होगा एफ का वैल्यू कितना है जी, क्या कह रहे हो सर जी, इम्प्लाइज दैट एफ का वैल्यू कितना है, वाई आई जेड जे एक्स के डॉट डी आर का वैल्यू कितना रहता है, आई डी एक्स जे डी वाई के डी जेड, यही रहता है। आप देखें सर ये किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा अपना क्लोज्ड इंटर मतलब इंटीग्रेशन, और ये कितना आएगा y dx, एक बार ही लिख लेते हैं फिर जो है वो काटा पीटी मचाएंगे, z dy x dz। अब भगवान की दया से देखो ये इंटीग्रेशन जो है वो कितना आसान बनेगा, ये ज़ीरो होगा, क्यों, z कितना है xy प्लेन में, क्या कह रहे हो सर जी, ज़ीरो है। आप देखें सर ये कितना बनेगा, ज़ीरो, क्यों, dz क्या है आपका, ज़ीरो। तो यानी ये सर जी क्या बचा आपने पास, ये बचा y dx, यही बच गया आपने पास, क्या कहते हो। तो अभी देखें सर जी यहाँ पे हम लोग जो है ये कितना आ गया अपने पास, y dx आ ही गया, इतना जो है आप लोग पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लें, वेरी गुड। अब देखें सर जी ये y dx आ गया है और बात हो रही है अपने स्फेयर की, ठीक, तो हम ऐसा लेट कर लेते हैं, लेट x equals to cos t, y equals to sin t, है ना, क्योंकि स्फेयर का प्रोजेक्शन क्या है, सर्कल है ना, सर्कल को पैरामेट्रिक फॉर्म में ले जाते हैं, x cos t, y sin t, और t क्या होगा अपना, 0 से 2 पाए, और z तो 0 है ही, उसका तो क्या ही कहना है। तो सर इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे, देखो इसको इवेल्युएट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, y का वैल्यू कितना है, sin t, और सर जी यहाँ डी एक्स है, ये तो बड़ी गलत बात है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डी एक्स बाई डी टी, डी टी, और अब देखिए लिमिट क्या जाएगी सर अपने टी की, ज़ीरो से टू पाए, वेरी गुड, और साइन टी है, डी एक्स बाई डी टी, एक्स कितना है कॉस, तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन टी, ये आ गया सर जी साइन स्क्वायर टी माइनस में। इसको देखो जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे ले जाओ 0 से 2 पाए 1 माइनस कॉस 2 टी डिवाइड बाई 2 डी टी कर ही लेते आप, चलो लिख लिया है तो ये आ जाएगा 0 से 2 पाए, ये हो जाएगा अपना कितना t कॉस का जो है, अच्छा t 2 को बाहर लिख लेते फिर दिक्कत देगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा उस्ताद, साइन, तो साइन 2 टी डिवाइड बाई 2, लिमिट पुट करते हैं ज़रा, तो ये आएगा माइनस हाफ 2 पाए, और मेरे हिसाब से बाकी सब तो ज़ीरो हो ही जाएगा, क्यों, साइन 4 पाए कितना होता है, ज़ीरो, वो ज़ीरो पे तो सर वैसे ही ज़ीरो होता है, तो कुल मिला के आंसर कितना आया इंटीग्रेशन का, माइनस पाए। यानी जब हम लोगों ने सज्जन तरीके से इसको इवेल्युएट किया इस वाली फॉर्म से, तो आंसर कितना आ गया सर अपना, माइनस पाई आ गया। देखो तो यहाँ पे जो है मैं लिख लेता हूँ आंसर, लेट से कितना है, माइनस का पाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल से इवेल्युएट करेंगे और चेक करेंगे क्या वहाँ भी अपना आंसर जो है वो माइनस पाए ही आता है या कुछ और आता है। देखो अब देखो वेरीफाई करनी है तो सर आप समझ सकते हो आंसर तो माइनस पाए ही आएगा, बट किस तरीके से आएगा ये थोड़ा देख लेते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है।
आप देखें सर, अपने को जो निकालना है वो निकालना है किस पे, अपर हाफ जो है ना वो स्फेयर है ये, तो ऐसा कुछ स्फेयर रहा होगा, एक बाउंड्री ऐसी रही होगी, हमें सिर्फ ये ऊपर का हाफ चाहिए। ठीक, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, मान लो अगर मैं इसको सरफेस वन ले लूँ और मैं ये जो अपना डिज़ायर्ड सरफेस है इसको सरफेस एस टू ले लूँ और ये पूरा जो कंबाइंड सरफेस है वो एस है, तो लेट सरफेस एस, यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आएगी, सरफेस एस किसके इक्वल होगा, एस वन प्लस एस टू। तो अगर मैं ये निकालना चाहूँ सरफेस इंटीग्रल ओवर एस, ये चीज़ जो है ना अपनी, ये इसके इक्वल आएगी, देखो एस वन प्लस में एस टू, आप देखें सर, हम ये पहले भी प्रूव कर चुके हैं कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस पे, भाई ये एस कैसा सरफेस है, आप देखोगे एस आपका क्लोज्ड है ना, पूरा बिल्कुल बंद है, कोई दिक्कत नहीं है, एस क्लोज्ड सरफेस पे इसका वैल्यू कितना आता है सर, ज़ीरो आता है, कितना आता है वैल्यू इसका, ज़ीरो आता है, और हमें आंसर चाहिए एस टू वाले का, इसी पे तो चाहिए ना आंसर, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो एस टू वाला है वो किसके इक्वल रहने वाला है अपना, वो रहने वाला है, देखें ज़रा आप लोग, माइनस ऑफ एस वन इसके इक्वल, क्या कहते हो सर जी, ये बात समझ आती है, ये हमने लास्ट क्लास में ही प्रूव किया था, किसी भी क्लोज्ड सरफेस पे ये कितना होता है आपका, ज़ीरो, सरफेस जो इंटीग्रल है। अब ये हमें चाहिए एस टू वाला, तो हमें चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में डिज़ायर्ड एस टू है, तो हम एस टू को निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एस वन इस तरीके से। तो सबसे पहले देखो F का जो है वो कर्ल निकालते हैं, आप लोग मेरी हेल्प करिएगा, तो लेट्स से फाइंड आउट कर्ल ऑफ F I J K d by dx d by dy d by dz, वेरी गुड, ये कितना है सर y, ये कितना है z, ये कितना है x, तो गेम खेलना स्टार्ट करेंगे, क्या कहते हो जी, यहाँ से देखो कितना आएगा, कितना आएगा उस्ताद जी, आई है ना, और ये कितना हो जाएगा डी ज़ीरो, सीधा लिखते हैं माइनस का वन, वेरी गुड, माइनस जे, ये कितना होगा सर वन, ये कितना होगा ज़ीरो, ये कितना होगा ज़ीरो, फिर माइनस वन, तो कुल मिला के ये कितना आ गया, माइनस आई माइनस जे माइनस के, ये आ गया आपका कर्ल ऑफ एफ। आप देखें जब आप बात कर रहे हैं एस वन की, एस वन का नॉर्मल वेक्टर कहाँ होगा, नीचे को, यानी माइनस के में, एन वन मतलब ये जो एन है इसके लिए क्या होगा सर, माइनस के, पहले इतना जो है वो छाप लो, वेरी गुड, अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, इधर ही कर लेंगे, तो माइनस का आई जे के है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये देखें सर जी, ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया अपना माइनस एस वन माइनस आई माइनस जे माइनस के डॉट एन वन इज ऑल्सो माइनस के डी एस, माइनस माइनस क्या बचेगा, प्लस का के एस वन, और के क्या होता है सर जी, वन, और डी एस, अब डी एस देखें सर जी, यानी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हमें किसका चाहिए, क्या कहते हो सर जी, ये कितना आएगा अपना सरफेस एरिया जो है, ये निकालना है देखो अपने को, तो यहाँ पे जो एरिया है ये किस पे इवेल्युएट कर रहे थे आप, इस सर्कल पे कर रहे थे, एस वन क्या था अपना, सर्कल था, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, और रेडियस कितना है इस सर्कल का, वन है, तो ये कितना आ गया अपना, माइनस पाई, आप देखें जब आपने नॉर्मल वे से किया तब भी आंसर कितना था, माइनस पाई, जब आपने ये सरफेस वाली रामायण से किया तब भी आंसर कितना उस्ताद आपका, माइनस पाई, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, वेरी गुड,
और कमेंट में मेरे को बताइएगा आप लोग, क्या आपको ये वाली चीज़ समझ आती है। देखो ये इन वाले क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है, जो ये स्फेयर पे आते हैं, मतलब हाफ स्फेयर पे आते हैं। पूरे स्फेयर पे आएगा तब तो करने की दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत जब है जब हाफ स्फेयर पे आता है ये, तब आपको जो है वो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इस चीज़ को यूज़ करके। और देखो ये चीज़ हम लोग पहले वेरीफाई कर चुके हैं, तभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि क्लोज्ड सरफेस पे आपका ये क्या होता है, ज़ीरो। तो कुल मिला के बात ये हुई कि ये जो है सरफेस इंटीग्रल, ये नेगेटिव ऑफ इस वाले सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होगा। वो हमने सॉल्व किया और सौभाग्यवश वो भी माइनस पाई आया। पहले जो लाइन इंटीग्रल से किया वो भी कितना आया सर अपना, माइनस पाई आया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है जी फिर से वेरीफाई करें आप स्टॉक्स थ्योरम इसके लिए, और इंटीग्रेशन जो कहाँ से कहाँ लेना है, टेकन राउंड द रेक्टेंगल बाउंडेड बाय एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, वाई इक्वल्स टू ज़ीरो एंड वाई इक्वल्स टू बी। तो यहाँ बना लेते हैं थोड़ी सी फिगर जो है ये, ये एक्स क्या होगा अपना माइनस ए, ये एक्स क्या होगा ए, और यहाँ पे वाई क्या होगा बी, ऐसा ही होगा। तो रेक्टेंगल बना लेते हैं एक बार, ठीक रहेगा कुछ इस तरीके का जो है ये है। एक मिनट थोड़ा सा सही बना लेते हैं उस्ताद जी, इसको नाम दे देते हैं वर्टिसेस को ए बी सी डी। ठीक, अब देखो सबसे पहले हम इसमें इवेल्युएट करते हैं ये लाइन वाले पे बाद में चलेंगे, पहले इसको ही सुलटा देते हैं ना। इसको सुलटाना सर थोड़ा सा आसान है, लाइन वाले में थोड़ी सी दिक्कत है, अभी समझेंगे। तो पहले निकालते हैं सर कर्ल ऑफ एफ, जो कि अपने को चाहिए आई जे के, सौभाग्य से के नहीं है तो काम थोड़ा सा बच गया। एक्स ओहो डी बाय डी एक्स, डी बाय डी वाई, डी बाय डी जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई ते ज़ीरो। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा आए ऐसे और ऐसे, है ना। तो ये ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, माइनस जे ये ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, सौभाग्यवश। आहा ऐसे क्वेश्चन हो तो बात ही क्या है, के पे आ जाओ। यहाँ से आएगा माइनस टू आए, देखते रहना भाई, माइनस यहाँ से कितना आएगा सर जी, टू आए। तो ये कितना आ गया अपना, ये आ गया माइनस फोर वाई के, क्या चीज, कर्ल ऑफ एफ। ठीक, अब आप देखें सर ये जो आपका है बाउंड्री है, इसका नॉर्मल कहाँ होगा, बाहर को। यानी अगर मैं n की बात करूं यहाँ पे, तो n कहाँ देखने को मिलेगा मेरे को, k में, k में ही तो देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये कैसे इवेल्युएट होगा, अब सरफेस माइनस तो है ही अपना, ठीक है, अब फोर वाई बस यही बचेगा। देखो क्योंकि ये k है, यहाँ k है तो वो वन हो ही गया, और डी एक्स डी वाई डी एस की जगह पे अब सर लिमिट लगानी पड़ेंगी। तो लिमिट क्या आएंगी, सबसे पहले x की लिमिट लगाते हैं माइनस ए से a, और y की लिमिट 0 से b, 4y dx dy। लिमिट कांस्टेंट है तो ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन जो है वो मैटर नहीं करता। माइनस माइनस a से a, पहले y के रिस्पेक्ट में उल्टा देते हैं, तो 2 b स्क्वायर dx। देखो जब y के रिस्पेक्ट में करोगे ये y स्क्वायर बाय 2 आएगा, 2 से 2 हैप्पी बर्थडे, बी स्क्वायर आ जाएगा। अब सर x के रिस्पेक्ट में भी कर लेते हैं, तो 2b स्क्वायर इज कांस्टेंट, ये आ जाएगा a प्लस a, तो कितना आ गया माइनस फोर ए बी स्क्वायर। ये आया कब, जब हमने इसको इवेल्युएट करा सरफेस इंटीग्रल वाली फॉर्म से, तो अपना जो आंसर है बेसिकली i मैं लिख देता हूँ, वो आया है माइनस फोर ए बी स्क्वायर। इसको सर नोट कर लो, अभी इसको हम लाइन इंटीग्रल वाली फॉर्म से भी इवेल्युएट करते हैं। देखो तो लाइन वाली में क्या है, वो कहता है कि क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। तो जब हम इस रेक्टेंगल को क्लोज्ड कर ही रहे हैं, तो सर देखो आपको जो इंटीग्रल है ना वो चार लाइंस पे इवेल्युएट करना पड़ेगा। कैसे,
ए बी मतलब ऐसे चलेंगे ना, डी सी, सी बी, बी ए और ए डी, ठीक, एंटी क्लॉक वाइज। तो अगर हम बात करें इस चीज की, ये वाला जो इंटीग्रल है ये किसके इक्वल होगा, ये होगा पहले डी से डी सी प्लस सी बी प्लस फिर बी ए, वेरी गुड, फिर प्लस क्या आएगा उस्ताद बोलो, ए डी। तो एफ डॉट डी आर, और यहाँ पे देखो मैं रामायण लिख लेता हूँ। जैसे मैं डी सी की बात करूँगा, डी सी में मेरा वाई ज़ीरो है और वाई ज़ीरो होने के साथ साथ डी वाई भी क्या होगा, ज़ीरो होगा ही, ये क्या भी यूज़ होगा। सी बी में जाएंगे तो यहाँ पे मेरा एक्स ए है तो डी एक्स ज़ीरो हो जाएगा भाई, कॉन्स्टेंट है क्योंकि एक्स। फिर बी ए की बात करेंगे तो यहाँ पे वाई अपना बी है लेकिन अगेन डी वाई क्या होगा सर, ज़ीरो होगा। और ए डी की बात करेंगे तो देखो एक्स माइनस ए है लेकिन फिर डी एक्स ज़ीरो होगा, समझ रहे हो ना इस बात को। तो एफ डॉट डी आर निकाल लेते हैं अलग से, एफ डॉट डी आर, एफ का वैल्यू कितना है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस टू एक्स वाई जे डॉट डी आर, आई डी एक्स जे डी वाई के डी जेड, ऐसे ही तो करेंगे देखो। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, वेरी गुड, माइनस टू एक्स वाई डी वाई, और क्योंकि के वाला है ही नहीं तो बात ही नहीं है। अब इसी को इवेल्युएट करना है चारों लाइंस पे, समझ रहे हो सर। सबसे पहले इवेल्युएट करते हैं लेट से डी सी, तो जब इस पे इवेल्युएट करेंगे डी से सी लिमिट क्या जाएंगी, माइनस ए से ए, वेरी गुड। डी से सी में सर क्या ज़ीरो होगा, वाई ज़ीरो होगा और डी वाई भी ज़ीरो होगा, तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, यहाँ वाई ज़ीरो, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो ये हो जाएगा टू टाइम्स ज़ीरो से ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये कितना आ जाएगा सर अपना, ये आ ही जाएगा देखो टू ए क्यूब बाय थ्री, ये आ जाएगा, ठीक। आप देखें यहाँ पे जो है एफ डॉट डी आर को जब इवेल्युएट करेंगे हम, दूसरा कौन सा है जिसमें y है, बी ए, या लाइन वाइज ही चलते हैं, सी बी पे चलते हैं। तो सी बी पे क्या ज़ीरो होगा सर, डी एक्स ज़ीरो होगा, तो ये वाली पूरी टर्म ज़ीरो, माइनस बाहर टू, और x को a पुट करना है y डी वाई, और लिमिट y की जाएंगी तो y कैसे जा रहे हैं हम, c से b, इट मीन्स ज़ीरो से b, 2a बाहर हो गया, वाई स्क्वायर बाय टू आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सीधा सीधा लिख दूँ क्या, ये आएगा माइनस ए बी स्क्वायर, यही आएगा। देखो कोई ज़्यादा मुश्किल तो गणित है नहीं है। फिर हम लोग इवेल्युएट करें किस पे, बी ए पे, तो बी ए पे कितना आएगा उस्ताद, एफ डॉट डी आर जो है बी ए पे, देखो वाई बी है और अपना डी वाई ज़ीरो है, वाई तो बी है, डी वाई ज़ीरो है, तो ये पूरी टर्म हट जाएगी, वाई बी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स, और लिमिट क्या जाएगी क्योंकि एक्स की बात हो रही है और बी से ए आ रहे हैं तो ए से माइनस ए, लिमिट को सीधी कर लें, ये कितना आएगा माइनस ए से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डी एक्स, करते हैं सर सॉल्व, ये आ जाएगा माइनस में एक्स क्यूब बाय थ्री बी स्क्वायर एक्स माइनस ए से ए, तो ए क्यूब बाय थ्री प्लस ए बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए क्यूब बाय थ्री, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस टू ए क्यूब बाय थ्री माइनस टू ए बी स्क्वायर, वेरी गुड। इनको ना ज़रा बॉक्स में पैक कर लेते हैं सर, अब इनकी ज़रूरत तो पड़नी है ही, वेरी गुड। अब एक लास्ट और बचा अपना कौन सा, ये ए डी, एफ डॉट डी आर। सर ए डी में देखें आप क्या ज़ीरो है, ए डी में डी एक्स ज़ीरो है, तो
तो ये वाली टर्म जीरो हो गई, और x को क्या सब्सिट्यूट करना है, माइनस ए, तो सर ये पॉजिटिव 2a हो गया, 2a अंदर बचा y dy, लिमिट गई b से ज़ीरो ए डी में, सही है। लिमिट सीधी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2a 0 से b y dy, तो ये कुल मिला के कितना आ जाएगा सर, माइनस 2, और यहाँ पे क्या होगा, b स्क्वायर बाय 2, तो a b स्क्वायर बाय 2 दैट इज़ नथिंग बट माइनस ए बी का स्क्वायर। अब सर इन चारों को ऐड करना है, देखो जब इन चारों को हम लोग ऐड करेंगे तो आपको क्या लगता है, देखो 2a क्यूब से 2a क्यूब हैप्पी बर्थडे, माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर विच इज़ माइनस 2ab स्क्वायर, और माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर इज़ नथिंग बट माइनस 4ab स्क्वायर। तो आप देखें जब सरफेस से इवेल्युएट करा तो माइनस 4ab स्क्वायर, फिर जब लाइन वाले से किया तब भी सर आंसर क्या आया, माइनस 4ab स्क्वायर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, वेरी गुड। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ सर आपको समझ आया होगा किस तरीके से जो है हमने स्टॉक्स थ्योरम को इस पे वेरीफाई किया है। सर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, इवेल्युएट बाय स्टॉक्स थ्योरम, और वो इवेल्युएट करना है वेयर सी इज द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड जेड इक्वल्स टू 2। तो वो जो है सर अपना इस देखो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस चीज को ई एक्स डी एक्स टू वाई डी वाई माइनस डी जेड को इस तरीके से लिखा जा सकता है क्या, आप बताइएगा मेरे को, ई एक्स आई टू वाई जे माइनस के डॉट आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड, ऐसे लिख सकते हैं, बताओ मेरे को भाई, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा आपका, यानी हमारा एफ क्या हो गया सर, ये हो गया। अब अगर मुझे इवेल्युएट करना है स्टॉक थ्योरम से तो सबसे पहले तो मेरे को सर ये इवेल्युएट करना होगा ना, देखो सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इससे हम निकाल लेंगे जो भी है, कर्ल ऑफ एफ डॉट एन डी एस, तो सबसे पहले तो अपने को क्या चाहिए होगा, कर्ल ऑफ एफ, तो कर्ल ऑफ एफ देखो निकालते हैं, आप लोग मेरी हेल्प करिएगा, यहाँ आई जे के वेरी गुड डी बाय डी एक्स डी बाय डी वाई डी बाय डी जेड, ये ई एक्स ये टू वाई और ये माइनस का 1, ऐसा ही तो है। तो देखें सर कितना आएगा अपना, ये तो ये आ जाएगा आई, वेरी गुड। उसके बाद 0 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस 0 आप लोग चेक करते रहना, 0 माइनस 0 प्लस के 0 माइनस 0, ओहो सर जी ये देखो आपका जो कर्ल ऑफ एफ है वो कितना आ गया, सौभाग्य से 0। सर जी जब कर्ल ऑफ एफ ही 0 आ गया तो ये जो पूरा इंटीग्रल है इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या कहते हो जी, इसकी वैल्यू आएगी सर जी हैप्पी बर्थडे आएगी ना, दिस इज इक्वल्स टू 0, hence closed curve integral ex dx plus 2y dy minus dz is nothing but 0। सर इसका स्क्रीनशॉट लें देखो सबसे पहले तो, वेरी गुड। और सर कमेंट में बताइएगा क्या आपको समझ आया किस तरीके से हमने यहाँ पे स्टॉक्स थ्योरम यूज़ किया और यूज़ करते हुए क्वेश्चन को आंसर किया। सर क्वेश्चन देखिएगा सबसे पहले 9th क्वेश्चन देखते हैं, तो 9th भी वैसा ही है, कहता है आप इवेल्युएट करें स्टॉक्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए, और सी अपने को गिवन है जो कर्व है वो, तो ये जो है अपना देखो जो गिवन है क्वेश्चन, ये वाई जेड डी एक्स प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड, सर इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है आप बताइएगा, क्या इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं दैट वाई जेड आई कैप एक्स जेड जे एक्स वाई के डॉट आई डी एक्स जे डी वाई के डी जेड, आप बताएं सर ऐसे लिख ही सकते हैं, देखो
तो सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, कर्ल ऑफ एफ, वेयर एफ इज गिवन एज दिस, ये एफ है अपना, क्या कहते हो कंपेयर करवाने पे, है ना सर, वो डी आ रहा है, ये एफ है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कर्ल ऑफ एफ आई जे के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी बाई डी वाई, डी बाई डी जेड, ठीक, ये वाई जेड, एक्स जेड, एक्स वाई, वेरी गुड। इसको सर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, दैट आई डी वाई, ये आएगा एक्स, वेरी गुड, ये माइनस में आएगा सर, चीज जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स, माइनस जे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई, फिर जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तब भी वाई, बीच में माइनस, प्लस के एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे दैट इज जेड, बीच में माइनस, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे जेड। ओ हो सर, ये तो कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। आप देखें कर्ल ऑफ एफ अगर ज़ीरो आ ही रहा है, इट मीन्स सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ एफ डॉट एन डी एस इज वॉट, नथिंग बट ज़ीरो। और अगर ज़ीरो है तो सर जी ये जो रामायण लिखी है ना हम लोगों ने, ये भी कितना होगा, ज़ीरो। इसका एस एस ले लो, वेरी गुड। अब देखें सर जी अगले क्वेश्चन पे चलें क्या, क्या कहते हो, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, इवेल्युएट करना है और स्टॉक थ्योरम का इस्तेमाल भी करना है, और अपना जो है वो सी एक्स स्क्वायर है एक्स वाई प्लेन में, जिसकी हमें ये कोऑर्डिनेट्स वगैरह गिवन है, बाउंड्री बेसिकली। तो बना लेते हैं, स्क्वायर जो है वो कुछ इस तरीके का है, प्लस वन से माइनस वन, प्लस वन से माइनस वन, ऐसा कुछ स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल टाइप ही बन गया, बट आप मान लो होगा सर जी ऐसा जो है ना, ये माइनस वन, ये वन, ये वन, अच्छा ये जो है हाँ माइनस वन, तो नीचे भी आएगा माइनस वन, कुछ इस तरीके का ये रेक्टेंगल टाइप बन गया, बट आप मान लो सर ये स्क्वायर रहा होगा, ठीक। आप देखें सर ये अगर अपना स्क्वायर जो है वो रहा ही होगा, अब आ जाओ ज़रा इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं बताना मेरे को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स वाई डी एक्स, एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इज नथिंग बट कैन बी रिटन एज एक्स वाई आई प्लस एक्स वाई स्क्वायर जे डॉट आई डी एक्स जे डी वाई प्लस के डी जेड, ऐसे लिख ही सकते हैं। देखो तो एफ मिल गया अपने को, एफ क्या आया सर, एफ आ गया, ये आ गया ना, ये आ गया देखो एफ। जब एफ मिल ही गया है तो सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, कर्ल ऑफ एफ, वेरी गुड, आई जे के डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, डी बाई डी जेड, ये कितना उस्ताद जी, एक्स वाई, ये एक्स वाई स्क्वायर, और इन भैया का तो हैप्पी बर्थडे है, तो ये कितना आ जाएगा, आए ज़ीरो, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे ये भी ज़ीरो, माइनस जे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे ज़ीरो, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे ज़ीरो, ऐसे क्वेश्चन बढ़िया लगते हैं ना। के पे आ जाओ सर, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे वाई स्क्वायर, और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ गया। आप देखें सर ये जो स्क्वायर है इसका नॉर्मल कहाँ रहा होगा, बाहर की तरफ, यानी अगर मैं एन की बात करूँ जो अपना रहता है ना नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर बेसिकली, वो क्या रहा होगा, के। और जो अपना आता है स्टॉक्स थ्योरम से वो क्या आता है, सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ एफ डॉट एन डी एस, तो के और के से डॉट हो जाएगा तो बचेगा क्या, वाई स्क्वायर माइनस एक्स, लिमिट क्या जाएंगी, माइनस वन से वन, माइनस वन से वन, वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स डी वाई, लिमिट कांस्टेंट है तो सर ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन पे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा अपना, पहले जो है माइनस वन से वन, वाई के रिस्पेक्ट में कर लें इवेल्युएट इसको, तो ये हो जाएगा वाई क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स वाई, और नीचे कितना माइनस वन, ऊपर प्लस वन, बाहर डी एक्स भैया इंतज़ार करेंगे, तो ये आएगा सर माइनस वन वन, और यहाँ पे देखो वन पुट करेंगे वन बाय थ्री, माइनस वन पुट करेंगे वाई को एक्स, फिर माइनस में माइनस वन पुट करेंगे तो सर ये कितना हो जाएगा, प्लस वन बाय थ्री,
और यहाँ पे माइनस वन पुट करेंगे कहाँ पे, इसमें, तो ये कितना हो जाएगा अपना, क्या कहते हो, माइनस वन पुट करेंगे तो प्लस एक्स और एक माइनस भी है तो ये आ जाएगा सर। अब ये कितना आ गया, वन बाय थ्री दैट इज टू बाय थ्री। इसको हटा देते हैं सर डायग्राम को ना, इसका कोई यूज़ अब है नहीं, तो ये कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा माइनस वन से वन, टू बाय थ्री माइनस टू एक्स डी एक्स। इसको इवेल्युएट कर लें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस वन से वन टू बाय थ्री डी एक्स माइनस टू टाइम्स माइनस वन से वन एक्स डी एक्स। सर ये तो ज़ीरो होगा, क्यों, क्योंकि एक्स क्या है यहाँ पे, एक ऑड फंक्शन है और माइनस वन से वन लिमिट है, तो ये वाला इंटीग्रल कितना हो गया, हैप्पी बर्थडे। ये सर इसको इवेल्युएट कर लेते हैं तो ये कितना आएगा, टू बाय थ्री और माइनस वन से वन है तो टू आ जाएगा अंदर, तो आंसर आ जाएगा सर कितना, फोर बाय थ्री। वेरी गुड, इसका सर स्क्रीनशॉट जो है आप लोग ले लें, बहुत बढ़िया। तो देखें सर हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, रिपीट अगर मैं करता तो 12-13 पहुंच जाते, बट उसका फ़ायदा नहीं है, अलग अलग टाइप करना ज़रूरी है ना। तो मेरी तरफ से सर इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा आज का ये। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सर जी चीटिंग, माता रानी पाप लगाएगी, सब्सक्राइब कर लो। और देखें सर आप कमेंट में बताना आपको कितना समझ आया कितना नहीं आया। अभी जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है सर वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ मॉडर्न अलजेब्रा। तो अब एक तो रियल एनालिसिस पे आपको वीडियोस मिलेंगी और मिलेंगी आपको मॉडर्न अलजेब्रा पे। वेक्टर एनालिसिस इतना ही है, अभी ये ख़त्म हो गया है 99% आप मान के चले, बचा खुचा कुछ आने वाले दिनों में सुलट जाएगा बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर। तो शुक्रिया सर आप लोगों का, मैं आपसे जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न अलजेब्रा या रियल एनालिसिस के साथ।